नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भैया, ये सेब कैसे दिया? 110 रुपए किलो भाभी जी। 110? हाँ भाभी जी। ठीक है माँ। अरे सुगंधा, कैसे दिए ये फल? कमल ने तुमको मुझसे बात करने से मना किया है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, घर में काम है ना, इसलिए जा रही हूँ। मैं सब समझती हूँ। तुम्हें पता है, इस सोसाइटी के सारे मर्द मुझसे बात करना चाहते हैं, मेरे करीब आना चाहते हैं। पता नहीं उन्हें ऐसा क्या लगता है कि कोई भी मर्द अपनी घरवाली को मेरे इर्द गिर्द देखना भी पसंद नहीं करते। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। कैसे दिए ये चीकू? 200 रुपए किलो भाभी जी। और ये सेब? भाभी जी 110 रुपए हैं, पर आपको 100 रुपए में दे दूंगा। आधा किलो दे दो। जी भाभी जी। अच्छा भाभी जी, केले भी ले लीजिए ना, बहुत लंबे और मोटे हैं। लंबे और मोटे तो हैं, पर मेरे किसी काम के नहीं हैं। क्या बात कर रहे हो भाभी जी, मेरा केला बहुत लंबा और मोटा है, अब खा कर देखिए, आपको मजा आ जाएगा। आज नहीं, और दिन ट्राई कर लूंगी। ठीक है भाभी जी, ये लीजिए भाभी जी। मैक्सी ले लो, मैक्सी, रंग बिरंगी मैक्सी, मैक्सी पहनते ही आप दिखने लगोगे सेक्सी। मैक्सी वाले भैया, जरा इधर आओ। बताइए मैडम, कैसी मैक्सी दिखाओ आपको? लाल, पीली, हरी, नीली, हर टाइप की मैक्सी है हमारे पास। अच्छे डिजाइन की दिखाओ ना। ये देखिए मैडम, ये आप पे खूब जचेगा, इस पे आप रानी लगोगी, रानी। और भी दिखाते हैं, और भी है हमारे पास। ये देखिए मैडम, ये है स्पेशल मैक्सी, इसको आप पहनोगे तो छा जाओगे। ये है? हाँ हाँ, दिखाओ भैया। मैडम वो, मैडम दरअसल ये वन पीस था और बिक चुका है। यहाँ तो कोई नहीं है। वो मैडम दिख रही है आपको वहाँ पे गाड़ी के सामने? दरअसल उन्होंने खरीद लिया, पर आप टेंशन ना लो, हमारे पास और भी है, हम सब दिखाते हैं आपको। नहीं, रहने दीजिए। अरे नहीं नहीं मैडम, हम दिखाते हैं अभी, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप देख तो लो। अरे मैडम सुनिए तो मैडम, अरे